हेलो एंड नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल असीम प्रोफेशन पर। मैं शैलेश। आज के सेशन में हम बात करेंगे टोपोलॉजी के बारे में। हालांकि नेटवर्क तो ख़त्म हो गया, ठीक है, इसके बाद इंटरनेट की बारे में बताने की कोशिश थी, लेकिन चलो टोपोलॉजी के बारे ही इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो टोपोलॉजी क्या होती है इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में, आज क्या अभी दो तीन सेशन में इसको ही जानेंगे, ठीक है। अगर बात करें टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना, ठीक है, कंप्यूटरों या फिर उनके उपकरणों को आपस में इस प्रकार जोड़ना, उसे ही टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आपस में जोड़ना ही क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का जो ढांचा बने उसे हम लोग कह सकते हैं टोपोलॉजी। क्या कह सकते हैं, जब अधिक कंप्यूटरों या फिर उपकरणों, ठीक है, उपकरणों को आपस में एक साथ जोड़ना ही कहलाता है, ठीक है, जोड़ना टोपोलॉजी कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। यानी जो स्ट्रक्चर तैयार होता है आपस में जुड़कर, कई कंप्यूटर एक साथ जुड़ जाते हैं एक ही तार से, या फिर कह सकते हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं। बंधे होने का मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कह सकते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। अब ये टोपोलॉजी कितने प्रकार, समझ में आया ना क्या कहने का मतलब है। जब किन्हीं दो हो गए, पाँच हो गए, आठ हो गए, है ना, कुछ भी हो गए, इन्हें हम आपस में जोड़ते हैं एक दूसरे से, तो ये जो इनके बीच का स्ट्रक्चर तैयार होता है इसे कहते हैं टोपोलॉजी। क्लियर। अब ये टोपोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये पांच प्रकार के होते हैं, ठीक है। टोपोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं, टोपोलॉजी, ठीक है, पांच प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के। कौन कौन से, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला आता है बस टोपोलॉजी। क्या आता है, बस टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजी। दूसरा अगर बात करें स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। तीसरा वही बात करें हम लोग तो इसका होता है रिंग टोपोलॉजी। क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, सबके बारे में हम लोग एक विस्तार से जानेंगे, ठीक है। चौथा अगर बात करें तो ये क्या होती है, ये होती है मेस टोपोलॉजी। क्या होती है, मेस टोपोलॉजी, मेस टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, ठीक है। और अगर वही बात करें हम लोग पांचवे का, तो ये होता है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है, ट्री मतलब पेड़, ठीक है, ट्री टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, ठीक है। हिंदी भी उनका वही है, बस टोपोलॉजी, है ना, बस टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, इसको कहेंगे स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसको कहेंगे तारा टोपोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, इसको अंगूठी टोपोलॉजी नहीं, इसको रिंग टोपोलॉजी कहेंगे, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, ठीक है। इसको कहते हैं मेस टोपोलॉजी, मेस टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, इसको कहते हैं ट्री, यानी पेड़ नहीं ट्री, ठीक है, ट्री टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, ठीक है, क्लियर। तो ये अब इनके बारे में कहने का मतलब ये है, जब हम डिवाइसों को आपस में जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उनके जुड़ने का, उसे कहते हैं टोपोलॉजी। और ये टोपोलॉजी पांच प्रकार की होती है। एक होता है बस टोपोलॉजी, दूसरा होता है स्टार टोपोलॉजी, तीसरा होता है रिंग टोपोलॉजी, चौथा होता है मेस टोपोलॉजी, और वहीं होता है पांचवा होता है ट्री टोपोलॉजी। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर, समझ में आया, ठीक। अब इनकी विधि हम बताते हैं, क्या कौन सी विधि किस प्रकार से जुड़ी होती है, यहाँ आज के सेशन में हम लोग जानेंगे, ठीक है। वैसे मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि ये ऐसे अजीबोगरीब कमेंट करते हैं, जैसे कह सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि ना उन्हें पढ़ना है, पढ़ने में इंटरेस्ट है, ना ही
पढ़ने देने में, ठीक है, क्योंकि वो सोचते हैं सिर्फ उलझे रहे सब लोग। कहने का मतलब ये है, कुछ बच्चे इतने दुष्ट होते हैं, दुष्ट नहीं कह सकते, उनकी भावना ऐसी होती है, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं अनपसंद चीज़ें ही कहते रहते हैं, कहते हैं कि तू क्या पढ़ाएगा, तेरी औकात क्या है, ये चीज़ें। तो वो क्या करते हैं, हमें हमारी औकात नहीं दिखाते, वो अपनी स्टेटस दिखाते हैं, ठीक है, उनकी पालन पोषण कैसे हुई है ये वो दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते, ये खुद की ये अपना इंसर्ट करते हैं, दिखाते हैं कि हाँ हम किस कितने पानी में हैं। मैं तो उन लोगों से यही कहूँगा कि वो इज्जत करना सीखे दूसरों का, दूसरों का इज्जत नहीं करेंगे ना तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, अगर हम बात करें, जब अगर किसी को बढ़ावा ना दो ना तो उसका जो मनोबल है गिराना ही चाहिए, और तुम लोग यही गिराते हो। इसको नोट कर लिए होते आप लोग, नोट किए होंगे, ठीक है, नहीं नोट किए होंगे तो आप लोग नोट कर सकते हैं स्क्रिप करके, हाँ अगर पीछे करके, ठीक है। अगर बात करें, हम लोग पहले बात करेंगे बस टोपोलॉजी का, किसका बात करेंगे, बस टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी कुछ इसमें खास है नहीं, बस ये किस प्रकार से क्या सिस्टम जुड़ा हुआ है वही दर्शाता है, ठीक है। इसकी अगर बात करें, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये एक ही तार, मान लेते हैं कोई इतने ज्यादा सिस्टम है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं प्रिंटर हो गया, कुछ भी हो गया, है ना, तो इस प्रकार के जो डिवाइस है मान लेते हैं, तो इनका जो होता है, मान लेते हैं ये मेन स्विच है, ठीक है, या फिर कुछ कह सकते हैं, है ना, यहीं से, यहां से कंट्रोलिंग गया है, ये एक ही तार से, ठीक है, एक ही तार से ऐसे मान लेते हैं पहले गया है, एक मिनट, ऐसे पहले एक तार गया है, ठीक है। अब ये तार ऐसे जुटा है, इससे ऐसे जुटा है, ये इससे ऐसे जुटा है, ये इससे ऐसे, इससे ऐसे, इससे ऐसे, इससे ऐसे, ठीक है। तो ये T1 हो गया, मान लेते सिस्टम, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, T4 हो गया, ठीक है, T5 हो गया, T6 हो गया, T7 हो गया, ये जो आपस में सिस्टम जुटे हुए एक ही तार से, देखिए एक ही मेन जो वायर है वो एक ही है, तो जब एक ही तार से सभी कंप्यूटर कनेक्ट हो, ठीक है, एक ही तार से क्या हो, सभी कंप्यूटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जब यहां लिखेंगे क्या, जब एक ही तार से कई कंप्यूटर जुड़े हों, तो ऐसे जुड़ाव को हम लोग कह सकते हैं बस टोपोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लियर, ठीक। तो ये चीजें ये क्या करती हैं, मान लेते हैं ये सिग्नल, ये इनका काम क्या होता है, इनका कार्य होता है, कार्य इनका क्या काम होता है, ये सिग्नल को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, सिग्नल को कंट्रोल करती है, यानी इनका इस्तेमाल होता है सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, सिग्नल ज्यादा आ रहा है या फिर कम है, उनका एक प्रकार से क्या करती हैं, निर्धारण करती हैं, ये सिग्नल कंट्रोल करने के लिए होती है, ठीक है। इनमें कुछ लगाया जाता है टर्मिनेटर, ऐसा कुछ डिवाइस लगाया जाता है इसमें, ठीक है, ये समझ में आया यहाँ पर। अब हम लोग बात करें, ये जो इस प्रकार से जुड़ा होता है ये एंडिंग हो, अब अगर बात करें, अगर ये वायर खराब हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट खराब हो गया, तब तो सब खराब हो गए, सभी सिस्टम ठप पड़ जाएंगे, वायरिंग एक वायर जो है ये आया हुआ है ये खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर मान लेते हैं एक टीवी केबल है, ठीक है, टीवी केबल है, उसी केबल से 10-15 टीवी कनेक्ट हो, ठीक है, फिर डिस्का वायर है उससे 10-15 लोग कनेक्ट हो, अब उस मेन छतरी खराब हो जाए या फिर वो तार जो है खराब हो जाए, तो क्या पूरा ये जो सिस्टम है जो 10-15 टीवी कनेक्ट है वो कर चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार का ये होता है बस टोपोलॉजी, यानी एक ही तार से जुड़ा हुआ, ठीक है, वो अब कहेंगे ये तो अलग अलग तार, ये भाई अपना बचाए हुए हैं, ठीक है,
कनेक्ट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो वो एक ही तार से कनेक्ट होती है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब बात करेंगे हम लोग रिंग टोपोलॉजी की। किसकी बात करेंगे? रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग से स्पष्ट है कि एक अंगूठी की टाइप है ना, गोल है ना। तो रिंग टोपोलॉजी की बात करें, जब जब कई कंप्यूटर आपस में अलग अलग तारों से जुड़े हों। ठीक है, अलग अलग तारों, ठीक है, तारा स्टार की मतलब नहीं हो रहा, तार यानी वायर, तार यानी वायर्स से जुड़े हों। वहां पर देखिए जो बस टोपोलॉजी था उसमें एक ही वायर से सब लोग कनेक्ट थे, लेकिन इसमें अलग अलग वायर से कंप्यूटर कनेक्ट हो। कहने का मतलब ये कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मान लेते हैं ये सिस्टम एक है, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं सिस्टम है ना, रिंग बना देते हैं ताकि अच्छा लगे। ऐसे मान लेते हैं ये सिस्टम है। अब इसमें एक वायर तो जाएगा नहीं, ये यहाँ से इसका कनेक्शन यहाँ होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, इसी से यहाँ पर इसका कनेक्शन। ठीक है, यहाँ से इसका यहाँ कनेक्शन, यहाँ से इसका यहाँ कनेक्शन, यहाँ से यहाँ कनेक्शन, यहाँ से यहाँ कनेक्शन, यहाँ से इसका यहाँ कनेक्शन, फिर यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन। यानी सब जुड़े तो हैं आपस में, लेकिन क्या है, इनका कनेक्शन अलग अलग तारों से हुआ, यानी थोड़ी थोड़ी तारें बदल दी गई हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं इन दोनों के बीच के ये तार खराब हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का तार खराब हो गया, तो अब इधर से ये वाली चीजें इनके पास जाएंगी। ठीक है, ये एक तार खराब हो गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरी तरफ से इनके पास सूचना या डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी। अब यहाँ पर मान लेते हैं स्कैनर भी हो, प्रिंटर भी हो, मॉनिटर भी हो, कुछ भी है ना, सभी डिवाइस कनेक्ट हो। ऐसा है नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर ही जुड़े हों, स्कैनर भी जुड़ सकता है। ठीक है, अलग अलग तार से। तो ये कहने का मतलब होता है कि इनमें कोई एक मुख्य तार नहीं होता। ठीक है, इसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो इनका कोई मुख्य एक तार नहीं होता, एक तार नहीं होता है। ठीक है, तार नहीं होता है, कोई एक मुख्य तार नहीं होता। ठीक है, ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक टर्मिनेटर, हाँ याद आया, वो टर्मिनेटर क्या होती है, एक सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए लगा होता है। तो यहाँ टर्मिनेटर, ठीक है, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर, ठीक है, टर्मिनेटर नहीं लगा होता है, लगा होता है। ठीक है, कंट्रोल इसलिए करता है क्योंकि देखिए उसमें कंट्रोल करने के लिए इसलिए लगाया जाता है ताकि सभी के सूचना, सभी के पास सूचना एक समान चीज, एक समान गति से पहुंचे। ठीक है, लेकिन इसमें इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि इसमें अलग अलग वायर होते हैं, अब कहाँ सूचना अटक जाए इसी वजह से। ठीक है, सबके पास देर सवेर पहुंचती है, लेकिन सूचना इसमें क्या करती है, तार, इसमें टर्मिनेटर नहीं लगाया जाता है। ठीक है, नहीं होता है लगा होता। ठीक है, हाँ, अगर मान लेते हैं, वही बात है कि अगर मान लेते हैं इसमें एक प्रक्रिया असफल, असफल यानी फेल, एक प्रक्रिया फेल होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनका। अगर मान लेते हैं कोई एक सिस्टम गड़बड़ हो गया तो इनके जो पूरी प्रक्रिया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क क्या होता है, नहीं पड़ता। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक,
एक चीज और लिख सकते हैं, इस समय द्वितीयक क्या कह सकते हैं इसको, द्वितीयक प्रक्रिया होती है, क्या कह सकते हैं, प्रक्रिया प्रक्रिया होती है यानी लेती भी है देती भी है। ये इसके पास दे रहा फिर इससे ले भी रहा है, मान लेते सिस्टम खराब हो गया तो ये क्या करेगी, इसके पास से देगी अपना लेगी, ऐसे सूचना आदान प्रदान ये करेगी। ये जो बनेगा टॉपोलॉजी, ये रिंग टॉपोलॉजी के एक श्रेणी में आएगा। मान लेते कोई सिस्टम खराब भी हो गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक सिस्टम खराब हो गया। लेकिन हाँ अगर मान लेते हैं ये सिस्टम खराब हो गया, ठीक है, और ये सिस्टम खराब हो गया, अब इधर का पूरा सिस्टम ही खराब हो गया, लेकिन ऊपर का क्या रहेगा, सिस्टम चली, ठीक है। और अगर वायर की बात की जाए तो यहाँ कटआउट, यहाँ पर अगर अच्छे से ज्वाइंटिंग हुई हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूचना तो तारों के माध्यम से आएगी, है कि नहीं, सिस्टम ऑन हो या खराब, है कि नहीं, तार बस ना खराब हो, ठीक है। लेकिन अगर तार ही खराब हो गई तो इधर नहीं आएगी सूचना, रुक जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, ठीक। अब अगर हम बात करें स्टार टोपोलॉजी की, किसकी, स्टार टोपोलॉजी, स्टार मतलब तारा, ठीक है, उसी के जैसे बनेगा टोपोलॉजी, इसको देखते हैं, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, इसका क्या काम होता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि स्टार टोपोलॉजी में क्या होती है, एक मेन क्या होती है, बीच में एक हब आता है, ठीक है, एक मुख्य, ऐसे इस ढांचा, ऐसे ढांचा ढांचा जिससे प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण, ठीक है, कंप्यूटर या उपकरण जुड़े हो, ठीक है, जुड़े हो, यानी इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सभी कंप्यूटर क्या होती हैं, जुड़े होते हैं। जैसे कहने का मतलब ये, मान लेते हैं ये हब है, ठीक है, ये क्या है, हब, हब क्या होता है, मैंने बताया है, ये सभी कंप्यूटरों को कंट्रोल करता है, हब, ठीक है। अब इसमें से भी यहाँ पर एक डिवाइस आ गया, यहाँ पर कोई काम कर रहा है, ठीक है, ये ऑफिस में ही बेसिकली होती है, ऑफिस में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, हब का, ठीक है, अभी स्टार बन जाएगा, चुनु मुनु कोई भी चलाए से, है कि नहीं, तो ये इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है इसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, स्टार की तरह दिख रहा है ना। तो ये चीजें, इतने सारे मान लेते हैं डिवाइस हैं, तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए जो सिस्टम लगा रहता है उसे हब कहते हैं, ठीक है। और हब जो होती है, हब इन लोगों को तारे के रूप में, यानी एक तारा जैसे एक कह सकते हैं स्टार बना होता है, उसी प्रकार इन्हें कनेक्ट करता है, इसीलिए क्या करते हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं हम लोग, स्टार टोपोलॉजी, ये इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का टोपोलॉजी, टोपोलॉजी संस्थाओं में, ठीक है, संस्थाओं में होते हैं, ठीक है, होते हैं। लेकिन अगर सोच लिया जाए, हब देखिए, ये वाला कोई सूचना भेजेगा, ठीक है, ये वाला सिस्टम कोई सूचना भेजेगा तो हब के पास जाएगा, हब से क्या होगा, ये इन सभी के पास प्रोवाइड हो जाएगा, या फिर ये कोई सूचना भेजेगा हब के पास तो हब क्या करेगा, सभी में क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। इसके पास कोई सूचना है, ये इसके पास भेजेगा तो ये सब में प्रोवाइड कर देगा, यानी हब ही क्या है, मुखिया है, हब क्या है, कर्ता धर्ता है। लेकिन अगर हब ही खराब हो जाए, ठीक है, हब खराब हो जाए, क्या हो जाए, हब खराब हो गया, यदि हब खराब हो गया, ठीक है, यदि हब, हब, ठीक है, हब का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, ये हब ऐसे, ठीक है, हब एक उपकरण है, ये एक डिवाइस है, ठीक है, यदि हब खराब हो जाए, ठीक है, खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम, तो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, ठीक है, पूरा सिस्टम ही रुक जाएगा, ठीक है, ही रुक जाएगा, ठीक है।
यानी अगर हब ही खराब हो गया तो पूरा सिस्टम ही रुक जाएगा, किसी के पास कोई डाटा आएगा जाएगा नहीं। लेकिन अगर मान लेते कोई सिस्टम, इसमें कोई डिवाइस खराब हो गया, ठीक है, मान लेते कंप्यूटर खराब हो गया, स्कैनर खराब हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो भी सही है उनके पास डाटा आएगा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। मेन मतलब हब है, हब अगर खराब हो गया तो पूरी सिस्टम रुक जाएगी, अदरवाइज ये लोग खराब होंगे तो कोई बात नहीं, वो एक ही कंप्यूटर, दो ही कंप्यूटर या एक दो ही सिस्टम है तभी वो काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। ये क्या होती है, हाँ ये मुख्य कंप्यूटर का काम करता है, कैसा काम करता है ये, मुख्य कंप्यूटर का, ठीक है, मुख्य कंप्यूटर यानी कह सकते हैं मुखिया का, ठीक है, मुख्य कंप्यूटर का काम करता है हब, ठीक है। हब खराब होने पर, हाँ इसीलिए खराब होने पर क्या होती है, पूरी सिस्टम रुक जाती है, इसीलिए इसका क्या करते हैं, समय समय पर देखभाल, समय समय पर देखभाल, ठीक है, देख रेख होता रहता है, देख रेख होता है, ठीक है, मेंटेनाइजेशन होती रहती है और उसकी है ना मरम्मत होती रहती है, खराब क्या हो रहा है, कौन सी पूजा क्या गड़बड़ी है, हब को समय समय पे देखा जाता है, ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मेस रह गया है और कौन सा ट्री टोपोलॉजी रह गया, इनको समझेंगे कल, चलिए ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।